हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल असलम हार्डवेयर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शीट के बारे में दोस्तों, जो कि लोहे की शीट होती है दोस्तों, जो कि आपके सामने सिंपली दिखाई दे रही है। दोस्तों ये एमएस की शीट होती है, जो कि हमने कुछ पीस काट रखे हैं यहाँ पे, सिंपली आप देख सकते हैं। दोस्तों ये जो पीस हमने काट रखे हैं दोस्तों, ये दरवाजे में लगाने के लिए पीस हमने काट रखे हैं। और दोस्तों जो इसका स्टैंडर्ड साइज होता है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं, तो इसका जो स्टैंडर्ड साइज होता है दोस्तों, वो 4x8 होता है। और 3x8 में भी आपको ये शीट मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, मतलब 3x8 के पन्ने होते हैं, 4x8 के सिंपली पन्ने होते हैं। दोस्तों हमने जो शीट काट रखी है आपको सामने, यहाँ पे पल्ले दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे ये शीट काटी हुई है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें फिक्स हो रही है। और दोस्तों ये वाली शीट होती है दोस्तों, ये एमएस की शीट होती है दोस्तों, ये सॉफ्ट शीट होती है, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम ये पूरी डिटेल्स में बात करेंगे कि इसमें कौन सी शीट होती है, कौन से मटेरियल से बनाई जाती है, इसका गेज कैसे नापा जाता है दोस्तों, इस गेज से इसका गेज नापा जाता है, ये सब कुछ वीडियो में दोस्तों डिटेल्स में होने वाला है। तो वीडियो आपको पूरी कंप्लीटली लास्ट तक देखनी है, वीडियो पूरी की पूरी एंड तक देखनी, ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं शीट है दोस्तों, ये काफी मोटी और काफी बढ़िया शीट होती है दोस्तों। इसकी जो थिकनेस होती है, मैं सिंपली आपको थिकनेस बताता हूँ दोस्तों, इसकी जो थिकनेस वो 20 गेज है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मतलब 20 गेज ये पूरी की पूरी मोटी शीट है, जो कि काफी बढ़िया होती है दोस्तों। गेज का जो नंबर होता है मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, मतलब इसका जो नंबर होता है, मतलब ये अगर आप कम करते जाएंगे, 20 से कम करेंगे, 19, 18, 17, तो ये मोटी होती जाएगी। इसमें उल्टा नंबर चलता है, मतलब अगर आप उल्टी गिनती गिनोगे तो इसका थिकनेस बढ़ता जाएगा, और आप सीधी गिनती गिनोगे तो इसका थिकनेस कम होता जाएगा, मतलब इसकी मोटाई कम होती जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाली शीट होती है दोस्तों, ये सॉफ्ट मटेरियल होता है, मतलब अगर आप इसे हाथ से बेंड करना चाहो या फिर कहीं दरवाजे वगैरह पर लोड आता है तो ये सिंपली बेंड हो जाती है। ये मतलब हार्ड मटेरियल नहीं है, अगर हार्ड मटेरियल अलग आता है, हार्ड मटेरियल क्या, थोड़ा सा अगर लोड पड़ता है, बेंड होता है, तो वो सिंपली टूट जाता है। ये वाली शीट टूटती नहीं है, बेंड हो जाती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसका वजन कितना आता है। दोस्तों जो 4x8 का जो पन्ना आता है, उसका जो वजन होता है दोस्तों, मैं बता देता हूँ, 15 से 20 किलो के अंदर अंदर आपको एक शीट मिल जाती है। और जो मार्केट में अवेलेबल होती है दोस्तों, वो उसकी मैं प्राइस बता देता हूँ आपको, 80 रुपए केजी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 80 रुपए केजी में आपको ये पूरा का पूरा 4x8 का पन्ना मिल जाता है। दोस्तों इसकी जो थिकनेस होती है कैसे नापी जाती है मैं बता देता हूँ दोस्तों। अब आपको दोस्तों ये गेज देख सकते हैं, इसे इसे वायर गेज बोलते हैं दोस्तों जी, आप देख सकते हैं दोस्तों, इसे रेडियस गेज भी बोला जाता है, जो इसमें आप देख सकते हैं इसमें नंबर वगैरह लिखे रहते हैं, जो कि इसमें आपको गेज वगैरह बताते हैं। तो सिंपली आपको इसे कैसे चेक करना होता है, मतलब इसका जो खांचा होता है दोस्तों, इसमें आपको सिंपली इसको डाल देना होता है, और जो खांचा फिक्स आ जाता है, मतलब बराबर जो खांचा आ जाता है, उसमें आपको ये वाला गेज का नंबर पता चल जाता है, मतलब इस चादर की मोटाई पता चल जाती है, इसकी थिकनेस पता चलती है, इसका रेडियस आपको पता चल जाता है। तो दोस्तों अगर वायर गेज के ऊपर आपको डिटेल से वीडियो चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा, तो मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी शीट कुछ इस टाइप से आती है, जो काफी मोटी और काफी बढ़िया होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको जानकारी जरूर से पसंद आई होगी, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो जरूर से लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।